और केवल इतना नहीं किया, ये हमारी एसपी खड़ी इससे माला। मैं बताना चाहता हूं, हमने एक और क्रांति का संकेत किया। हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करेंगे, बेटियों की। तो अब मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% का आरक्षण मिलेगा। ये बड़ी घोषणा, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, वो भी बैतूल में। पूरा मामला और सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये पूरा बयान आपको विस्तार से सुनाएंगे और पूरा मामला भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग इलाकों के दौरे पर हैं, साथ ही वो कई सारी योजनाओं का, कई सारी घोषणाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच बैतूल पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी को तोहफा दिया। उन्होंने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। हमने तय किया कि बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण करना है, इसलिए 50% रिजर्वेशन दे दिया चुनाव में। तो मेरी बहनें आज जनपद अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष है, मेयर है, पार्षद है, सरपंच है, चारों तरफ बेटियों और बहनों का राज चल रहा है। और केवल इतना नहीं किया, ये हमारी एसपी खड़ी इससे माला। मैं बताना चाहता हूं, हमने एक और क्रांति का संकेत किया। हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करेंगे, बेटियों की। मेरी बहनों, अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए और थाने में केवल पुरुष ही हो, अकेले महिला कोई पुलिसकर्मी ना हो, तो क्या हिम्मत के साथ अपनी आप बीती कोई थाने में सुना सकती थी? जब मैंने यह फैसला किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी, तो बहुत विरोध हुआ। पुलिस अफसरों ने ही विरोध किया, गजब हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा, मत कीजिए। मैं इनका ये होगा क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, 30% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक और क्रांति महिलाओं के लिए प्रदेश में लाई जा रही है, पुलिस में 30% भर्ती बेटियों की करेंगे। थाने में कोई घटना की शिकायत लेकर आए और पुलिस अफसर पुरुष हो तो वो कैसे बताएगी, इसलिए हम पुलिस की नौकरी में 30% भर्ती बहनों की करेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि महिला के नाम पर रजिस्ट्री अगर होती है तो उस पर 1% का शुल्क लगेगा और ऐसे में इसी बहाने महिलाएं जो हैं वो संपत्ति की मालिक बन जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की। इस योजना के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना ये बताई जा रही है। साथ ही इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह या फिर ट्रम्प कार्ड की तरह भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा। और अब महिलाओं को पुलिस भर्ती में 30% के आरक्षण की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। इस पर कैसा रिएक्शन लोगों का होता है और कितना फायदा इसको चुनावों में मिलता है बीजेपी को, सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।